नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं नंदिता आपके साथ बात करेंगे राजस्थान की राजनीति पर। बहुत दिनों बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट नए जोश और नई एनर्जी के साथ मैदान में आए और बीजेपी को चुनौती दे डाली। मौका था मंगलवार का, जब सचिन पायलट टोंक की जनता और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। टोंक में सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सचिन पायलट वर्तमान में टोंक से ही विधायक हैं और इस बार भी टोंक से चुनाव लड़ने का वो इशारा कर चुके हैं, वो संदेश दे चुके हैं। बीते कल टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अभी तक अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों के लिए कभी अपशब्द नहीं बोले, कभी किसी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग नहीं किया। मुझे मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार जिनको चुनाव लड़ाया था आप जानते हो, मुझे लगता नहीं दोबारा उनको चुनाव मौका भाजपा से मिलने वाला है। जो भी आए, मैंने 20-25 साल की राजनीति में कभी भी विरोधियों का प्रतिस्पर्धा रखी है, लेकिन कभी ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे विरोधियों का, मेरे आलोचकों का मैंने हमेशा मान सम्मान करके सामना किया है, लेकिन हमारे मान सम्मान को कोई कमजोरी ना समझे। आप यहाँ जो भाजपा के लेकर व्यक्ति को लेकर आओगे, उसका बोरिया बिस्तरा बंद कर यहाँ से विदा करना। सारे काम प्यार से, ये शहर और ये विधानसभा क्षेत्र प्यार मोहब्बत का है, जैसे राहुल जी बोलते हैं। नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाले बहुत कम लोग हैं। आपने देखा सचिन कैसे अपने कार्यकर्ताओं में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रहे थे और जोश भर रहे थे। सचिन ने जो कहा वो तो आपने सुन ही लिया, अब आप वो सुनिए जो सचिन ने बोरिया बिस्तर बंद करके विदा करने की बात बीजेपी को बोली है, या बीजेपी को जो चुनौती दी है उस पर टोंक नगर परिषद की पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने क्या पलटवार किया है। खुली चुनौती देने के लिए तैयार बैठे। किस तरह की चुनौती देंगे? आ जाए जनता के सामने, वो लाखों वोटों से जीत के उनको दिखाएंगे। वो कहते हैं कि मैं भारी मतों से जीता हूं, लेकिन उनसे ज़्यादा हजारों वोटों से हम जीत के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आने वाली है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली है और टोंक विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। लेकिन उनका कहना है जब यूनुस खान जैसा कैंडिडेट 54,000 वोटों से यहाँ हार के गया, जो कि भाजपा का कैंडिडेट थे, तो उसमें फिर कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सचिन पायलट से पार पालेंगे? उस समय जनता को लालच दिया गया, उनको ये सब्ज बाग दिखाया गया कि सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो जनता के साथ धोखा हुआ और वो धोखा आज तक भी उनके साथ चल रहा है। लेकिन अब जनता धोखे में आने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियों को समझ चुकी है कि किस तरह जनता से धोखा कर रहे हैं, झूठे वादे करते हैं, इसलिए अब इनके धोखे में आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ही सब लोग चाहते हैं और दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसा कि आपने सुना, लक्ष्मी जैन ने यूनुस खान के पिछली बार हारने का कारण ये बताया कि जनता ने सचिन पायलट को इसलिए वोट दिए क्योंकि टोंक की जनता को लगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पिछली बार जनता के साथ धोखा हुआ, इसलिए जनता इस बार उनको वोट नहीं देगी और बीजेपी को वोट देगी। इसी के साथ लक्ष्मी जैन ने पूरे राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी ने सचिन की चुनौती को स्वीकार किया है, इसलिए देखना काफी रोमांचक होगा कि इस बार जनता टोंक और राजस्थान से 5 साल के लिए किस पार्टी को बोरिया बिस्तरा बंद करके विदा करेगी और किसका स्वागत करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस किसका होगा बोरिया बिस्तरा बंद? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए राजनीति से जुड़ी बड़ी और ताज़ा खबर। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ENN भारत। नमस्कार।